अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। देखिए मिसेस गुप्ता, आप मेरी बात साहिर, तू बारिश में? साहिर आप भीग गए? भीगी बकरी और बरसात। अरे क्या गुल खिला के आ रही हो साहिर के साथ? कहाँ थे तुम दोनों? कहीं नहीं। क्या हुआ बेटा? क्या बताएगी आरजू बेटा, शहजादी साहिबा साहिर के साथ बारिश में घूम रही थी। अल्लाह तौबा, क्या जमाना आ गया है, शेर और बकरी दोनों एक साथ। अरे कयामत भी आ जाए तो साहिर कभी बारिश में नहीं नहाते। पता नहीं इस लखनवी बकरी ने कौन सा जादू किया क्योंकि दोनों मिलके बारिश में एक साथ नहा रहे। कुर्तियापा, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। बेटा मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दरअसल साहिर सर अपनी कार से जा रहे थे और उन्होंने हमें बारिश में बिना छतरी के भीगते हुए देखा, तो बस साहिर सर हमें बचाने के चक्कर में आए और खुद भीग गए। तुम जल्दी से जाकर कपड़े चेंज करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय भेजती हूँ। चलो। रानी तो जकी ही लेके जाएगा। कवर निकालिए जकी साहब, वरना आप देखते रह जाओगे और रानी को कोई और ले जाएगा। अच्छा जी, क्यों? कोई और भी है क्या रानी के चक्कर में? हो सकता है। तुम कैरम ले आए, ये बहुत अच्छा किया, अब दिल लगा रहेगा हम सबका। अरे क्वीन भी ले ली। कवर नहीं लिया जाएगा दादी, इनकी किस्मत में तो बैचलर ही लिखा है। कॉन्सेंट्रेट जकी, कॉन्सेंट्रेट। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद दुआ मांगे। देखा दादी, हार के जीतने वाले को उस जकी कहते हैं। आइए एक एक बाजी हो जाए। अरे नहीं बेटा, तुम हार जाओगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। आपसे जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हरा दिया तो क्या देंगे? जीत गए तो जो मांगोगे वही मिलेगा। सोच लीजिए। अरे बेटा बहुत दिलदार हूँ, मांग के तो देखना। ठीक है दादी, याद रखिएगा, वक्त आने पे जरूर मांगूंगा। पर आप मांगोगे क्या? आरजू। आरजू देखने रही है ना, कहाँ है वो? अरे वो बेमौसम बरसात हो रही है ना आज, बेचारी कहीं फंस गई होगी। वैसे ज़ारा तो बता कर गई थी ना, आरजू ने क्यों नहीं बताया? मायरा जरा अप्पी को फोन लगा तो। हाँ दादी। आरजू, क्या अप्पी अब अकेले अकेले भीगे? वेरी बैड,
मुझे बुला लिया होता, साथ में मिलकर भीगते और साथ में मिलकर दुआ मांगते कि जो आपका क्रश है वो आपसे आके अपने दिल की बात कह जाए। आरजू कितना भीग गई हो, तुरंत जाकर नहा लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। जी। अरे आरजू बेटा काढ़ा भी बना के पी लेना गरम गरम। अब मैं भी चलता हूँ। रूबाजी आपसे जीतना वैसे भी मुश्किल है, अगली बार। डर गए ना? मेरी रानी तो दो लीजिए मिस मायरा, आज रानी आप रख लीजिए, लेकिन एक दिन आपकी रानी हमेशा के लिए। ज़की का वादा रहा। खुदा हाफिज। खुदा जी तेरा। बज गए साहिर। साहिर सर की कॉफी का टाइम हो रहा है। आरिफ, आरिफ मियां अभी नहीं है, क्या करे? हम कॉफी बनाते हैं। अगर ऐसे अपने फोकस की चरस बहोगी तो फिर हो गया काम। अब उनके सामने तक जाने की हिम्मत नहीं रही। नहीं नहीं आरजू, तुम कोई 70s की हीरोइन नहीं हो जो हायला हायला करके शर्म से मरी जाती थी। तुम आज की लड़की हो और अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है तो फिर तुम्हें उन पर काबू करना आना चाहिए। एक कॉफी ही तो देनी है, कौन सी बॉर्डर पर जंग लड़ने जाना है? तुम भी फालतू में ही नर्वस हो रही हो। ऐसी जरा जरा सी बात पर सेंटीबाज बनना बंद करो और कॉफी देकर आओ। कम इन। सुनो वो कल रात को तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कॉफी लेके आया था। रख दो। रख दी। दफा। कॉफी बनाई तो इसी ने, खुद देने क्यों नहीं आई? साहिर सर को कॉफी दे दी? जी। कुछ कहा उन्होंने? जी वो कुछ कह रहे थे कि कल रात को। कल रात को? कल रात को क्या? जी मैं ठीक से समझ नहीं पाया। आप जाइए। चलो साहिर सर को कॉफी तो मिल गई। ला, चलते हैं। जारा। जी अप्पी। अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारा पहला मॉडलिंग असाइनमेंट है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अप्पी। अब आपने विश कर दिया है ना अप्पी? देखिएगा मेरा असाइनमेंट ना बहुत सही जाएगा। सारा हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह नो सारा, जब तुमने चलना शुरू किया था तो हम दिल में यही दुआ करते थे कि तुम चलते चलते पूरा आंगन पार कर जाओ। जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था और पनवाड़ी की दुकान तक चली गई थी, तब जब तक तुम वापस नहीं लौटी ना, हम दुआ ही पढ़ रहे थे। जारा, जिंदगी के हर मोड़ पर और हर दौर में हम तुम्हारे लिए दुआ करते रहेंगे। तुम हमारे लिए हमेशा वही जारा रहोगी जो हमारी उंगली पकड़ कर चलती थी। आई नो अप्पी, पर उंगली पकड़ कर तो आंगन में चला जाता है ना, जिंदगी भर तो नहीं ना। अप्पी मुझे ग्रो करना है तो मुझे अपनी गलतियां खुद सुधारनी होंगी और अपना रास्ता भी खुद बनाना होगा। पर अप्पी आप मुझ पे ट्रस्ट तो करती है ना? खुद से भी ज्यादा ज़्यादा। हमें तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास है, पर हम क्या करें, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जारा, जिंदगी की हर मुश्किल से। अप्पी, अम्मी को भी आपकी इतनी ही फिक्र थी, है ना? उन्होंने भी आपको मुंबई अकेले भेजा ना, और मैं तो फिर भी यही हूँ आप सबके साथ। मैं अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ अप्पी। आप मुझे इस कोशिश की इजाजत नहीं देंगी? हम तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम्स के बीच नहीं आएंगे जारा, पर हम भी क्या करें, बड़ी बहन है तुम्हारी, तुम्हारी फिक्र होती है, और ये हक है हमारा, तुम हमसे ये हक नहीं छीन सकती। खुदा ना खास्ता जारा, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वादा करो हमसे, वादा करो कि कुछ भी होगा तो तुम हमें सबसे पहले आकर बताओगी। जारा अगर हमें किसी और से पता लगा तो हमारा दिल टूट जाएगा। आई प्रॉमिस अप्पी, और इस प्रॉमिस के साथ मैं आपसे खुद एक वादा और करती हूँ कि मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। ऑल द बेस्ट। गैलरी ओपनिंग इस वीकेंड का सबसे बड़ा इवेंट होगा, एंड ऑब्वियसली मैं आने वाली हूं। ठीक है, थैंक यू।
हाय छोटी बेगम, यहाँ लखनवी बकरी बरसातों में नहा रही है और आपको तो कोई फिक्र ही नहीं। आप दुनिया जहाँ घूमने का प्लान बना रही हैं, अरे यहाँ के बारे में भी तो कुछ सोचिए। ताहिर पे जो जीनत का रंग चढ़ा था वो तो एक ही बारिश में धुल गया, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता कुर्ती आपा। साहिर और आरजू को बारिश में साथ भीगते हुए देखकर मैं समझ गई हूँ कि वो दोनों बहुत आगे निकल गए हैं। अब उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे हटना होगा। और कुर्ती आपा, साहिर को ना आप नाराज कर सकती है और ना ही मैं। मेरे शौहर सिराज दुबई गए तो थे कोई बिजनेस चालू करने, लेकिन वहां कोई तीर नहीं चला रहे हैं। उल्टा हर महीने मैं उन्हें 10 लाख रुपए भेजती हूँ जिससे उसका खर्चा चलता है। और आपके भी आगे पीछे कोई नहीं है, हमें सिर्फ साहिर का ही सहारा है। और साहिर इस वक्त आरजू की गिरफ्त में है। बेगम, तो तुम कहना क्या चाहती हो है? मैं अपनी जुबान पे ताला लगा लूं, अपनी आंखें बंद कर लूं और जो चलता है उसे चलने दूं? नहीं, पर हम जो भी करें सही वक्त और सही मौके पर करें। अब हमारी एक भी गलती साहिर को हमारे खिलाफ कर सकती है, इसलिए हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। छोटी बेगम, मौके खुद ब खुद नहीं आते, मौके तलाश किए जाते हैं, मौके बनाए जाते हैं इससे पहले कि ये बारिश की रात तूफान का रुख ले ले। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि दोबारा ये बारिश की रात लौट के ना आ सके। ये कुर्ती आपा बड़ी ही कुर्ती चीज है अपने कर्म से। गुड मॉर्निंग लिंडा जी, वो नए डिजाइन्स की फाइल आ गई? ये रहे तुम्हारे नए डिजाइन्स। नए डिजाइन कहाँ है? दरवाजा बंद कर। नए वेंडर की लिस्ट कहाँ है? सर वो हमने मेल कर दी है। और वो फैब्रिक कॉस्ट की? सर हम जाएं? नहीं। सुबह फैब्रिक
के कलर की फाइल कहाँ है? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ। मुझे अवॉइड क्यों कर रही हूं? सुबह कॉफी देने नहीं आई, अब मुझे देख नहीं रही है, बात क्या है?